नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। अपने ऊपर लगे दो साल के बैन के खिलाफ अपील करेंगी मारिया शारापोवा। कहा, मैंने जानबूझकर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान मेल्डोनियम के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर शारापोवा पर लगा था प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलियन ओपन में साइना समेत चार शटर अगले दौर में। पीवी सिंधु पहले ही राउंड में हारकर बाहर। साइना ने ऑस्ट्रेलिया की जॉय लेई को केवल 29 मिनट में 21-10, 21-14 से हराया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज स्लेंडर सिमंस ने खोला वर्ल्ड T20 में खेली अपनी मैच जिताऊ पारी का राज। कहा, विराट कोहली के घमंड ने दिया अच्छे बल्लेबाजी करने का हौसला। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने भारत को हराकर बनाई थी फाइनल में जगह। आईपीएल में कई खिलाड़ियों के रंगीन जूते पहनने पर बोले युवराज सिंह, नए स्टाइल वाले जूतों से भारत के लोगों को रूबरू कराना चाहती थी कंपनी पूमा। युवराज सिंह, मैकुलम, रॉबिन उथप्पा, मिशेल मार्श, एबी डिविलियर्स आदि खिलाड़ी मैदान में पहनकर उतरे थे रंगीन जूते। और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पर बोले इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक, आमिर ने अपनी सजा काट ली है लेकिन मैच फिक्सिंग के लिए खिलाड़ियों पर लगना चाहिए आजीवन प्रतिबंध। अगले महीने लॉर्ड्स में होना है इंग्लैंड पाक के बीच पहला टेस्ट। ये तो हुई खेल की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।